नमस्कार फ्रेंड्स, आम सोनाली दास चैनल रे आपनको स्वागत। कहा प्रेम रे पढ़ीबा पूर्वरु आपनको प्रथमे जानिबा दरकार से मनीष किपरि, से भलो मनीष ना खराब, ए कथा आपन किपरि जानि परिबे। एथि पई आज वीडियो रे मु आपनको गोटे ट्रिक देबी। बेसिकली एटा गोटे काम जहा कि निज रिलेशनशिप रे आपनको करबा दरकार। जदि आपन जानिबाकु चाहुचंती आपनको सामना वाला मनीष किंबा आपनको पार्टनर किपरि आपण से कथा भी जानी परिबे। ए ट्रिक बहुत सहज और बहुत कष्टदायक मध्य, माने आपण को कष्ट भी बहुत होई पारे, किंतु मु आपण को ग्यारंटी देई परिबी ए ट्रिक केबे बेकार जीवनी। जे भी जहा उपरे अप्लाई करिछे से ताकु जानी परिछे जे एक्चुअल रे सामना वाला मनीष किपरि एहा करबा काहे की जरूरी से विषय रे टिके जानि नेबा परे डायरेक्टली जिबा पॉइंट उपर को। रिलेशनशिप रे अधिकांश कोन हुए ना, लोक माने गोटे फेक इमेज को क्यारी करी थांती, अर्थात सामना वाला ता विषय रे आमको जहा देखै हुए जहा जणाइबा को चेष्टा करे, प्रकृत रे से मनीष सेपरी होइ न थाए। जदि आपण कहा सहित लाइफ टाइम रहिबा को चाहंती किंबा लाइफ टाइम स्पेंड करिबा को चाहंती, तो आपण को जानिबा बहुत जरूरी जे सामना वाला मनीष किपरि, से भलो ना खराब। जदि से फेक इमेज को क्यारी करिछि तो आपण ता विषय रे किछि भी जानि परिबेनि, किंतु ए ट्रिक यूज करी आपण सबु किछि क्लियर करि देबे। तेबे चालंतु जानिबा रिलेशनशिप रे जहा आपण को करिबा दरकार सेइटा हैला सामना वाला को फुल फ्रीडम दे दियंतु, खोला छाडी दियंतु ओ पूरा आजादी दे दियंतु। मु स्टार्टिंग रे कहिछि ए ट्रिक यूज करिबा सहज, काहाकु आजादी दे देबाटा बहुत सहज काम, किंतु काहाकु आजादी दे देबा परे आपण को जेउ कष्ट हुए सेइटा बहुत यंत्रणादायक। किंतु ए ट्रिक जदि आपण यूज करिवे तो आपण को गोटे सप्ताह किंबा 15 रु 20 दिन भितरे रिजल्ट मिलि जिवो। जदि सामना वाला को आउ टिके भलो भाबरे जानिबा को चाहुचंती ताकु गोटे मास पई फुल फ्रीडम दे दियंतु। देखंतु जदि भलो रिजल्ट मिलुची ताकु लाइफ टाइम पई फ्री कर दियंतु, एठी आपण को फुल फ्रीडम देबा को पड़िबो, सामना वाला को पूरा आजादी देबा को पड़िबो, ताकु संपूर्ण स्वतंत्रता देबा को पड़िबो, ता उपरे किछि प्रकार पाबंदी लगाइबा दरकार नाही। ता माने नहि जे जेउठी मांडाटोरी नाही सेठी लगाइबेनि। जदि आपनको पार्टनर रो जीवन प्रति विपद अछि त आपण सेठी पाबंदी लगाइ परंती, किंतु अधिकांश केस रे आपनको फुल फ्रीडम देबाकु पड़िबो। आमे एपरि काहे कि करिबा ओ एहा पछरे थिबा साइंस कोन चालंतु जानिबा। जेतेबेले आपण काहाकु फुल फ्रीडम दे दियंती सेतेबेले सामना वाला से काम सबु करिथाय जहा से करिबाकु चाहुची, किंतु आमे काहाकु जदि कंट्रोल करे कहा उपरे रेस्ट्रिक्शन लगाए से मनीष आपनको सामना रे केवल से काम सबु करिवो जहा आपण देखिबाकु चाहंती बा जहा आपनको पसंद, काहे कि ना आपण ताकु कंट्रोल करुछंती। आपण ताकु जहा करिबाकु कहिबे से मनीष आपनको सामना रे से काम सबु करिवो, किंतु आपणको पछपटरे से कोन करूची बा कोन करबाकु चाहूची आपण किपरि जानिबे। जे पर्यंत ता निज चिंताधारा को से आपणको सामना को रिफ्लेक्ट करिवनी आपण ता ओरिजिनल इमेज को जानि परिबेनी। एथि पई कुहा जायछि सामना वाला को फुल फ्रीडम दे दियंतु, किंतु प्रथमे एहार बेनिफिट विषय रे जानि नियंतु आउ टिके क्लियर होइ जिवे। जेतेबेले आपण काहाकु फुल फ्रीडम दे दियंती बा लगाम छोड़ा परी छाड़ी दियंती आपण को तीनिटी मेजर बेनिफिट मिली थाए। प्रथम बेनिफिट हेउची आपण ता ओरिजिनल इमेज को जानी परिबे, आपण जहाँ को कंट्रोल करिबे से मनीष आपण को सामना रे केवल से सब काम करिबो जहाँ आपण चाहुछंती बा जहाँ आपण को पसंद, तेणु आपण जानी परिबेनी से मनीष प्रकृत रे किपरि। किंतु जेतेबेले आपण ताकु लगाम छोड़ा करी छाड़ी देबे सेतेबेले ता इच्छा अनुसारे से सब काम से करिबाकु चाहिबो जहा ताकु पसंद, माने से जेउ टाइप रो मनीष सेई टाइप रो काम सब से करिबो जहा फल रे आपण तार प्रकृत परिचय पाई जिवे। सेकंड बेनिफिट हेउची आपण को रिलेशनशिप टॉक्सिक फ्री होई जिवो। आपण को पार्टनर आपण को उपरे जदि बहुत किछि रेस्ट्रिक्शन लगाउछि त आपण से रिलेशनशिप रे रहिबाकु केबे भी चाहिबेनि, काहेकि ना एते रेस्ट्रिक्शन भितरे गोटे कैदी परी जीवन बंचिबाकु केही पसंद करिबेनि। एहा बहुत इम्पोर्टेंट जे एथिरे रिलेशनशिप टॉक्सिक होई जाए, टॉक्सिक फ्री रिलेशनशिप पई लगाम लगाइबा बंद करा जाए। रिलेशनशिप रे रेस्ट्रिक्शन बा रोकटोक न लगाइबा द्वारा
ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନଶିପ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ହେବନି, ବରଂ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଥାର୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଡେଡିକେସନ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବା ଆଗକୁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି ବା ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେସନ୍ ଦରକାର ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲେସନ୍ ଦରକାର। ଆପଣ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗାମ ଯେତେବେଳେ ଢିଲା ହୋଇଯିବ, ସେ ମଣିଷ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜଗିପାରିବେ? ତେଣୁ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଡେଡିକେସନ ନ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ମଣିଷ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ତାପରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି କି ଆପଣ ତାକୁ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରେମରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗାନ୍ତୁନି, ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଆଜାଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କିପରି।